दोस्तों आज का वीडियो जो है काफ़ी कॉमन है, क्योंकि अगर आपके घर पे भी डिश टीवी लगी हुई है तो कभी न कभी आपका केबल का वायर ख़राब हुआ होगा या फिर इससे जो कनेक्टर जुड़ा हुआ रहता है वो खींच जाता है किसी भी कारण से, और फिर हमारा सिग्नल आना बंद हो जाता है या फिर पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे या फिर इसको कैसे रिपेयर करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण आपका रिसीवर ख़राब हो सकता है। क्योंकि रिसीवर से जो 18 वोल्ट निकलता है वो अगर शॉर्ट कर गया तो आपका सेट टॉप बॉक्स ख़राब हो जाएगा। तो आपको कनेक्टर पहले ये देख लेना है कि घूम रहा है कि नहीं। इस तरह से आपको ये एक पुराना ही कनेक्टर हमने लिया है उदाहरण के लिए, और आपको इस तरह से कनेक्टर के बीच में कुछ भी लोहे की एक सामान डाल देनी है, इस तरह से घुमाना है ताकि अंदर जो भी कार्बन हो वो निकल जाए। क्योंकि धूप और पानी की वजह से कनेक्टर हमारा स्टील का होने के बावजूद थोड़ा गंदा हो जाता है। और ये देखो ये केबल वायर है, इसके अंदर एक इस तरह की पिन लगी हुई रहती है, रिंग लगी हुई रहती है, जिसको हम लोग चिमटा की सहायता से दाब देते हैं ताकि हमारा वायर टाइट से रहे। तो आपको सबसे पहले इसको इस तरह से ढीला करना है, आसानी के साथ ढीला करना है ताकि ये टूटे नहीं, ध्यान देना है आपको, क्योंकि एल्युमिनियम का है, इसको आप यदि ज़्यादा प्रेस करोगे तो ये टूट जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है ताकि ये आगे पीछे खिसक सके। ये देखो इस तरह से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है कि हम वायर को कैसे सेट करेंगे और कनेक्टर को कैसे डालेंगे। तो ये देखो ये जो वायर आपको दिख रहा है, एक जाली की जैसे वायर है, इसके ऊपर में ये माइनस है और ये तांबा का जो है वायर, मोटा जो गेज का वायर है वो प्लस है। इसमें 18 वोल्ट सिग्नल दौड़ती है, सिग्नल विथ 18 वोल्ट दौड़ती है। दोस्तों एक डिस्प्ले आप दो रिसीवर कैसे चला सकते हो उसका भी हमने वीडियो डाला है, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना वो। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो यदि वायर ख़राब हो गया तो। यदि वायर से आपका डस्ट आ रहा है तो आप ज़्यादा एक बित्ता काट देना, यानी 10 इंच लगभग तार काट देना। बट ये जो वायर है हमारा लिक्विड वायर है, इस वायर के अंदर एक लिक्विड है जिसके कारण इसके अंदर कभी भी डस्ट नहीं बनती है। तो इस तरह से काटने के बाद हमें प्लास से इस तरह से थोड़ा सा इसके सामने से दबा देना है ताकि भीतर का जो फोम है वो गोल ही रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। उसके बाद हमें ऊपर का जो ब्लैक कवर है उसको इस तरह से काटना है, ये इस तरह से ब्लैक कवर को काटना है और प्लास की सहायता से इसे हटा देना है। इसे बराबर में हमें प्लास से हटाना है ताकि ये कनेक्टर जब हम इस पर डालें तो सही से जाए, और ये जो नेट है उसको इस तरह से सीधा करना है हमें। आपको ध्यान देना है दोस्तों कि बीच का जो कॉपर वायर है उसके साथ एक भी नेट ना सटे, यानी यदि एक भी वायर यदि लड़ गया आपस में तो आपका 18 वोल्ट जो सिग्नल के साथ करंट जो आ रही है वो आपका शॉर्ट कर जाएगा और आपका जो रिसीवर है उसका वीडियो बोर्ड इमीडिएट ख़राब हो जाएगा और हो सकता है कि पावर सप्लाई भी ख़राब हो जाए। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये नेट को हम जो है अच्छे से अलग करेंगे। अगर कनेक्टर के भीतर थोड़ा सा भी नेट रह गया, यानी एक भी नेट रह गया, तो आपका पॉजिटिव वायर के साथ ये हो सकता है कि टच करे और फिर आपका रिसीवर ख़राब होगा। इस तरह से ये आपने देखा कि इसके अंदर एक कागज़ भी है जिसके ऊपर एल्युमिनियम की पट्टी लगी हुई है सूचा लगता अच्छे से करने के लिए। अब हमें इसके फोम को धीरे धीरे इस तरह से कटर में घुमाना है और इसे काट देना है। ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे नहीं तो बीच वाला भी कट जाएगा। ये हो गया। अब देखो इसके ऊपर थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, ये कॉपर है फिर भी जंग लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से घास देंगे तो ये बिल्कुल गोल्ड की तरह चमकने लगेगा। ये देखो आप कैंची या फिर ब्लेड से इसे इस तरह से घास सकते हो, प्लास से आपको पूरी तरह से इसे सीधा कर देना है ताकि हम जब इसे LNB या रिसीवर में डालें तो ये ठीक से इंटर करें। ये देखो हमने कर दिया। अब आपको इसका नेट, जितना भी नेट है नेट वायर, इसको इस तरह से पीछे की ओर धकेलना है, इस तरह से पीछे की ओर धकेल देना है इसे,
और आप चाहो तो इसे कैंची से काट भी सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर में नेट की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये देखो इस तरह से हमें पुश करना है, क्योंकि अभी जाड़े का दिन चल रहा है तो हम इसे बिना गर्म किए नहीं डाल सकते हैं, बट आप इस तरह भी यदि डालने का प्रयास करोगे तो कर सकते हो। अगर आपके पास इसका स्टैंड है तो आप स्टैंड लगा के कनेक्टर को इन कर सकते हो। इसका स्टैंड भी आता है, बट स्टैंड मोस्टली केवल ऑपरेटर के पास ही होता है। और ये देखो इसका जो नेट है इसको अच्छे से हटा लेना है। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि नेट एक भी ना सटे। अब हम इसे कैंची की सहायता से काट लेंगे। ये देखो कटर की सहायता से हम सारे नट को धीरे धीरे काट लेंगे, ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो पूरी तरह सेफ रह सके। और ये जो वायर है दोस्तों, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का वायर है। इसके अंदर एक लिक्विड भी है पेस्ट की तरह, जो कि इसके अंदर पानी घुसने के बाद इसमें जंग नहीं लगने देती है। अगर ये लिक्विड नहीं रहेगा तो इसके अंदर से डस्ट निकलेगा। तो ये अच्छी क्वालिटी का वायर है, तो इस नेट को हम खोल भी काट भी सकते हैं। ये देखो हमने सारे नट सारे ये जो नेट है सारे को हमने काट दिया, और इसे इस तरह से थोड़ा सा किसी नुकीली चीज़ से इसके ऊपर के कवर में डालेंगे, और फिर हम कनेक्टर को इस तरह से यहाँ फंसाएंगे। क्योंकि ठंड का दिन है तो वायर काफ़ी कड़ा हो गया है, इसके वजह से ये इतनी आसानी से ट्विन नहीं होगा इसमें। ये देखो, तो अब एक ही उपाय है कि हम इसे थोड़ा गर्म करें। तो हमने एक छोटा सा मोमबत्ती लिया है, आप माचिस की तीली से भी इसे गर्म कर सकते हो, ये तुरंत गर्म हो जाएगा। और इसे हम इस कैंडल को जला लेंगे, और कनेक्टर और वायर को थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे, दोनों को इस तरह से कनेक्टर को भी गर्म करेंगे और थोड़ा थोड़ा वायर को भी थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो वायर को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो इसके अंदर का फोम है वो नट के साथ हो सकता है कि फोम और प्लस माइनस का लड़ जाए अंदर में। ये देखो अब काफ़ी आसानी से ये इंटर कर जाएगा। ये इस तरह से इसको इन कर देंगे, और ये प्लास लेंगे, और प्लास में इस तरह से सपोर्ट करके फुसली से इन कर देंगे। ये देखो हो गया। इसमें ध्यान आपको यही देना है कि इसका प्लस और नेट के साथ, यानी ये जो कॉपर वायर है इसके साथ नेट का एक भी बाल जैसा वायर है एक भी ना सटे, नहीं तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। काफ़ी महीन वायर रहता है इसका नेट का। ये देखो इसे हमने एक बार फिर से पुश कर दिया ताकि ये अच्छे से इन कर जाए। अब हमें इस एल्युमिनियम के रिंग को, ये हमने पुराना ही सारा लिया है, इसलिए कि आपको जब भी ये प्रॉब्लम आएगी आपको पुराना कनेक्टर ही फिट करने पड़ते हैं, क्योंकि जो लोग मिस्त्री होता है उसे तो जानकारी ऑलरेडी होती ही है, और वो कनेक्टर और रिंग सारा नया रखता है। बट मोस्टली हमारे घर पे जो ख़राबी आती है तो वैसी स्थिति में हम लोग खुद जोड़ लेते हैं। ये देखो ये काफ़ी सूटेबल रूप से काफ़ी अच्छे से फिट हो गया है, और इसे थोड़ा सा और सीधा कर लेंगे सामने जो कॉपर वायर है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये प्रॉब्लम यदि आपको होती है तो आप घर पे ही ठीक कर लोगे, यानी केबल वायर में यदि कनेक्टर डालने की प्रॉब्लम यदि आती है कुछ भी तो आप अपने से ठीक कर लोगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।